बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुनिया भर से मैसेजेस मुबारकबाद के आ रहे हैं। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म मेकर और गुलकार यासिर अख्तर की नई फिल्म आजाद ने पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया। बरतानिया में फिल्माई गई इस फिल्म में बरतानवी और पाकिस्तानी अदाकारों ने फनकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदे वसीम अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मेरी माँ, मेरा छोटा भाई इज्जत और मैं पाकिस्तान से भाग कर लड़ने आए। थैंक यू, चल अमेरिका। मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार यासिर अख्तर की सस्पेंस, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म आजाद ने यूके, पाकिस्तान और दुनिया भर में रिलीज के बाद नाजरीन के दिल जीत लिए। सबके साथ खड़े मैं अकेली रह जाऊंगी। आपकी चैरिटी एक महफूज जरिया है लोगों की इमदाद के लिए। बहुत शुक्रिया। जानदार स्क्रिप्ट, जोरदार एक्टिंग और खूबसूरत लोकेशन से भरपूर फिल्म आजाद, फिल्म मेकर, सिंगर और एक्टर यासिर अख्तर की कामयाबियों में एक और शानदार इजाफा है। बचपन से लेकर अब तक जितना भी मैंने काम किया, गाने बनाए, प्रोडक्शंस बनाए, जिस तरह आप लोगों ने मुझे मोहब्बतें प्यार दी, उसी तरीके से फिल्म आजाद को भी आप लोगों ने सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुनिया भर से मैसेजेस मुबारकबाद के आ रहे हैं। फिल्म की कहानी बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान बाहमी अमन और मोहब्बत के जज्बे को उजागर करती है। यासिर अख्तर के गाए गए सूफी गीत साइयां को फिल्म का टाइटल सॉन्ग बनाया गया, जो म्यूजिक लवर्स में काफी मकबूल हो रहा है। बचपन से अपने फनी सफर का आगाज करने वाले यासिर अख्तर ने न सिर्फ शोबिज की दुनिया में बहसियत फनकार अपना नाम कमाया, बल्कि बहुत से नए चेहरों को भी सुपरस्टार बनाया। यासिर अख्तर फिल्म आजाद की कामयाबी के बाद बहुत जल्द लंदन में फिल्माई गई एक और फिल्म भी रिलीज करने का इरादा रखते हैं। सीम अब्बास, जियो न्यूज, मैनचेस्टर।